will talk to you about subject verb agreement. If there are two subjects in a sentence, what verb shall I use, singular or plural? कई बार ये confusion होता है कि अगर एक sentence में दो subjects हैं तो हमारा verb singular आएगा या plural? तो जिन लोगों को इसमें confusion होता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं। इफ़ ए सेंटेंस इज जॉइंड बाय एज वेल एज टुगेदर विद अलोंग विद इंक्लूडिंग देन वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में एज वेल एज टुगेदर विद अलोंग विद या इंक्लूडिंग आ रहा है तो आप जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ या आर गोइंग। अब देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं ही भी और फ्रेंड्स भी, तो हमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है ही, यानी ये सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इज़। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स टुगेदर विद द कोच वाज या वर प्रेजेंट। अब इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो स्टूडेंट्स है और दूसरा है कोच, तो हमारा जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स यानी प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा वर। स्टूडेंट्स टुगेदर विद द कोच वर प्रेजेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। राज अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज़ या आर कमिंग। अब देखिए राज और फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लेकिन पहला सब्जेक्ट है हमारा राज जो कि सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा राज अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इंक्लूडिंग द पोस्टर्स इज़ या आर वेरी ब्यूटिफुल। अब देखिए यहाँ पे डेकोरेशन को देखेंगे हम, जबकि रूम्स और पोस्टर्स दोनों ही हमारे प्लूरल हैं, लेकिन क्योंकि डेकोरेशन हमारा, हमें इसको देखना है डेकोरेशन के हिसाब से, तो डेकोरेशन तो सिंगुलर है इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा इज़। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो नेवर गेट कन्फ्यूज्ड। I thank you very much for watching it. If you like it, please share it with your friends and subscribe the channel if you are new to it. Thank you.